बहुत ही गजब बात है। रिश्ता जितना जल्दी बनता है उतना जल्दी रिश्ता टूटता भी है। ऐसा क्यों होता है जब हम कोई रिश्ता बनाने से पहले सोचने में थोड़ी सी कमी कर देते हैं, हम रिश्ते फटाफट बना लेते हैं। वही रिश्ते जो काफी समय तक चलने वाले होते हैं, वही रिश्ते जिसको निभाने में लोग काफी कुछ सह जाते हैं। ऐसा क्यों होता है कि रिश्ते बनते जल्दी हैं तो बिखर जाते हैं? जब भी कहीं पार्टी में या कहीं ऐसे सफर में हम किसी से मिलते हैं और दो लफ्ज बात कर लेते हैं और तभी हम लोग फटाफट एक दूसरे को अपना नंबर देते हैं, व्हाट्सएप नंबर देते हैं और चैटिंग फिर शुरू हो जाती है, बातें शुरू हो जाती हैं और कुछ वक्त के लिए वह आपका अपना लगने लगता है। फिर न जाने क्यों ऐसा लगने लगता है कि वह हमारे लिए हमारा हितैषी है, हमारा अपना है, हमें अपने जैसा समझ रहा है, हमारे दुख को समझ रहा है। ऐसी भूल कर लेते हैं लोग। थोड़े समय की जो दोस्ती और जो प्रेम है वो आपको अपना लगने लगता है, बाकी सब रिश्ते आपको झूठे लगने लगेंगे। ऐसा बहुत देखा गया है जब बातें करते करते किसी से रिश्ते मजबूत हो जाते हैं। लेकिन कभी सोचा है कि इतनी जल्दी व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे और रिश्ते बन जाते हैं? और कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो रिश्ते काफ़ी लंबा भी चलते हैं लेकिन मजबूती बहुत कम होती है। अक्सर करके जब आपसे कोई संबंध बनाते हैं उस समय एक चीज़ का जरूर ख्याल रखते हैं, वो ये कि आपसे वह कितने से कितना ज़्यादा से ज़्यादा आपसे काम निकाल सके। जब तक उनको काम आपसे रहेगा वह आपसे संबंध और भी मजबूत बनाने की कोशिश करेंगे, आपसे संबंध बनाने की कोशिश करेंगे और आप उनके उस मीठी मीठी बातों में आ ही जाते हैं और उस चीज को नहीं पहचान पाते, उस बातों को नहीं पहचान पाते जो वह आपसे आपके साथ करना चाहते हो, आपके साथ वह जीना चाहते हो। अगर आपको उनको परखना ही है, अगर आपको समझना है कि कैसे ऐसे लोगों को पहचाना जाए, कुछ दिनों के ही लिए सही उनसे आप जो संबंध वो आपसे निभाना चाहते हैं, जो वह आपसे काम करवा रहे हैं, आपको काम करना बंद कर दीजिए। आपको विश्वास होगा कि वह बहुत अच्छे मित्र हैं आपके, आप उनका वह काम करना छोड़ दीजिए, मत करिए उनका कोई भी कुछ भी काम कह रहे हैं आप कुछ दिन के लिए इग्नोर कर दीजिए, बस उनसे बातें करिए, अच्छे बातें करिए, मीठा बातें करिए। देखिएगा कुछ दिन के बाद जब उनका काम आप नहीं करेंगे वह आपसे खुद ब खुद किनारे हो जाएंगे। तब आपको पता चलेगा कौन अच्छा, कौन सही, कौन आपका परम हितैषी और मित्र है, कौन संबंधी है, कौन रिश्तेदार है, तब आपको समझ में आएगा। तब तक के लिए आप अनजान रहेंगे। आपकी आंखों पर तो ये पर्दा होगा कि वह आपके बहुत ही करीबी संबंधी बनने लायक हैं, बहुत ही अच्छे मित्र बनने लायक हैं और एक ही नज़र में आपसे गहरी दोस्ती भी हो सकती है। लेकिन नहीं, ऐसी जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। बंधु कहने को तो सभी अपने हैं लेकिन अपना, आपका हित चाहने वाला सिर्फ और सिर्फ आपकी माँ, आपके पिता हैं और कोई नहीं है। एक लाइन में बोल रहा हूँ माँ पे, आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। मन्नत मांगू भगवान से कि फिर से यही जहाँ मिले, फिर यही गोद मिले, फिर यही माँ मिले। आपको वीडियो कैसे लगी? अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और सपोर्ट करिएगा।